हेलो गाइस अब सबको सुबह नए व्लॉग में सबको राधे राधे हरे किसी और गुड मॉर्निंग अभी जो बज रहे हैं कितने मालूम है हाँ अभी जो बज रहे हैं सुबह के साढ़े पाँच बजे और हम लोग एक ट्रिप पे जा रहे हैं वो जो कुछ भी आप लोगों को बाद में वीडियो बना रहे आप लोग फिल्म में बने रहना और चाहे तो सब्सक्राइब के बेड और भी सकते तो फिर चलो कहाँ पर जाते हैं आप लोग को सब कुछ डिटेल्स में बता तो फिर चलो तो फिर जो है हम सब लोग अभी निकल चुके हैं मतलब आधे लोग जो है आगे जा चुके हैं और मैं मम्मी जो है जो पीछे रह चुके हैं जा रहे हैं हम लोग अभी जो है पहले जाएंगे बस स्टैंड क्योंकि हमारे वहाँ से जो बस पकड़ना पड़ेगा हम जो लोग जो है हम लोग बस स्टेशन में आ चुके हैं और ये जो है ये हमारा बस है हाँ हम लोग जा रहे हैं दीघा हाँ एक समंदर की ओर हम लोग दीघा जा रहे हैं तो फिर अभी जो है बज रहे हैं छः बजने में चार मिनट देरी है हम लोग छः बजे का जो बस छोड़ेगा तो फिर चलो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा मस्ती होगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर और ऑल सेट कर देना तो भी चलो क्या कर सब कुछ दिखाता है आप लोगों से भी चलो अभी जो है बस छोड़ने का टाइम हो भी चुका है तो भी देखते हैं क्या होता है और हमारा जो है बस एकदम से निकल चुका है और सुबह के सुबह देखो कितना अंधेरा भी है और कोहरा भी है अभी एकदम से बस जो है एकदम से सिक्स बजे जो है छूट दिया था और मेरा जो विंडो सीट है क्योंकि मैंने तो पहले से बुक करके रखा था तो फिर हम लोग अभी जाते हैं और अब लोग वीडियो देखते रहो और अभी जो है बस एक जगह पर रुका है क्योंकि एकदम से कितना घंटे साढ़े घंटे से एकदम से एक जैसे बैठे हुए थे और यहाँ पर कुछ खाना खाने के लिए उतरे लेकिन मैं कुछ नहीं खाऊंगा मैंने सिर्फ जो है सूखी भेल खाया क्योंकि जो बस में मेरा ज़्यादा तो ट्रैवलिंग नहीं होता है इसलिए मुझे थोड़ा कोई कभी कभी जो वॉमिट भी होती है लेकिन मैंने सिर्फ सूखी भेल खाया और भैया लोग देखो यहाँ पर ये सब लोग भी जा रहे हैं हम लोग जहाँ जा जाते हैं पहले तो आप लोग को पता है हम तो भैया लोग और रानी जो है लेके जाते ही है ये लोग भी जा रहे हैं और हम लोग जो है अभी जो है पूर्व मेदिनीपुर आई थिंक पूर्वी यहाँ पर जो है आ चुके हैं मुझे तक पता नहीं था ये कौन सा मैं भूल चुका हूँ और ये आई थिंक हम लोग अभी जो है ढूक रहे हैं मतलब पहुँच रहे हैं सॉरी बेंगाली हो गया और अभी जो है मैं और मम्मी जो बैठे हुए हैं और कितना देर लग रहा है अभी जो है एक्सीमम

फाइनली अभी जो है बहुत कष्ट करने के बाद हम लोग दीघा आ चुके हैं और बहुत सारे होटल देखने के बाद हम लोग फाइनल जो एक होटल पे ये होटल का रूम बहुत ही मस्त है आप लोगों को मैं आपको रूम टूर भी दूंगा और यहाँ से जो व्यू तो एवरेज लेवल का था उतना भी जो खास नहीं लगा लेकिन ठीक ठाक ही था बजट के अनुसार रूम का जो चार्ज है दो हजार पर डे है तो चलो आप लोग को रूम टूर दिखा देता है कैसा क्या है रूम है हमारा तो फिर देखो और मुझे तो बहुत अच्छा लगा व्यू भी दिखा देता है कैसा क्या है और रूम देखो रूम हमारा जो इस तरह का है क्योंकि एक रूम में जो टोटल तो थ्री बेड है हाँ यहाँ पर जो है दो बेड है और जो है अलमारी भी है और जो है ये रूम हम लोग दो हजार रूपये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया और ये देखो ये है दूसरा कमरा यहाँ पर जो एक अलमारी भी है और यहाँ पर एक बेड है क्योंकि देखो तो लो हम लोग टोटल तीन तो फैमिली आए है और सब लोगों ने बोले एक साथ रहेंगे कोई अलग अलग रूम नहीं लेला इसलिए हम लोगों ने सब एक रूम में लिया तीन तो बेड था और बैलकनी सब इस तरह का यहाँ से व्यू आ रहा है समुंदर का और इस तरफ तो चारों तरफ बिल्डिंग और बिल्डिंग है क्या बोलता ठीक ठाक यहा क्या बताए और मुझे उतना भी खास नहीं लगा लेकिन ठीक ठाक है क्या बताओ और क्या कर सकते भी है और अभी जो है यहाँ पर देखो भैया लोग जो है कुछ खाने के लिए बैठ चुके हैं यहाँ पर नींबू और जो मिठाई बहन ने भोग लगा इन लोगों ने बहुत देर से कुछ नहीं खाया बस में से एक बार खाना खाता अभी जो हम लोग जाएंगे समुद्र में जा रहे हैं बीच पे नहाने के लिए और मेरे साथ कौन देखो मेरे साथ नील बाबू अभी हम सब गोपाल जो सब लोग जा रहे हैं और जो है समुद्र में बहुत ही मस्त एकदम से मस्ती करेंगे सब कुछ दिखाएंगे और तो बिखाना इनसे हो चुका है तो फिर चल अभी जो है मस्ती क्या करते हैं वो सब कुछ दिखाते हैं आप लोगों को और अभी जो है ये देखो भैया लोग भी आ चुके हैं नहाने के लिए नोनी नील रानी सब लोग आ चुके हैं पहले जो इन लोगों को नहलाएंगे और उसके बाद हम लोग जो है नहलाएंगे क्योंकि इन, इन लोगों को अभी इन लोगों को तो समुद्र में ले जाना बनता है क्या और इन लोगों ने नहाना शुरू भी कर दिया ये देखो लहर आया उनको नहला दिया कितना क्यूट लग रहा है बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताना मत भूलना दोस्तों और ये देखो लहर आया 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 और ये नहला दिया वो देखो हम लोग जो है इन लोगों को जो ज़्यादा जो बीच की तरफ नहीं ले चुके क्योंकि बहुत ही जोरों का लहर था इसीलिए और हम लोग जो है अभी जो गोपाल जो को सब लोगों को एकदम से घर में रख के नहला के खाना दे के आ चुके हम लोग अभी जो मस्ती करेंगे समुद्र में नहाएंगे भी और बहुत सारा मुझसे आप लोग जो है धीरे धीरे वीडियो को देखते रहो और अभी जो है कुछ स्लो मो वीडियो भी हम मैंने जो किया है आप लोग वो देखो और आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना हाँ और अभी जो मैंने कुछ स्लो में किया है मेरा छोटा तो मोटा जो एक्टिंग देव उतना भी अच्छा नहीं आता है आप लोग वो ही थोड़ा सा देख लो और उसके बाद एकदम से मिलते हैं आप लोग थोड़ा स्लो मो देख लो वो भी म्यूजिक के साथ एकदम से अभी जो है हम लोग आ चुके हैं सी बीच पर अभी यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ज्यादा और मेरे मम्मी कहते मम्मी आप बताओ आपको कैसा लग रहा है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा तो है मम्मी तो बहुत अच्छा अभी अभी हम लोग सी बीच में उसके बाद सी फूड भी खाएंगे तो वीडियो में बने रहना और हम सब लोग यहाँ पर जो है दादा है पीसी भी है और यहाँ पर बहन भी है सब लोग एक साथ आए हैं और अभी जो है समंदर से आ जाने के बाद हम लोग आ चुके हैं कुछ मार्केट में दोस्तों लोगों के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए क्योंकि यहाँ से जो उन लोगों ने गिफ्ट नहीं ले जाया तो उन लोग जो ऐसे बात बोलेंगे जो लोगों को बताया लायक नहीं होगा इसलिए हम लोग थोड़ी जगह खरीदारी करने वाले और भूख भी लगी है और अभी जो हम लोग रेस्टोरेंट में आ चुके हैं खाना खाने के लिए और देखो मम्मी लोग जो है मम्मी मौसा जो है सब लोग भात मतलब जो है राइस खा रहे हैं और बहन लोग देखो बस दूर में बैठे हैं वो हमारे साथ नहीं है वो किसी और के साथ आया है नहीं नहीं हमारे साथ ही आया है और मिलो इसको देखो भाई को देखो भैया तो रोल भी खा रहे और इंडियन राइस भी खा रहे वाह ये तो इंडियन चाइनीस कॉम्बिनेशन हो गया वाह भाई वाह तो एकदम मुह दिखा दिखाते वाह क्या बात है और अभी तो ये लोग सब लोग खा रहे हैं लेकिन मुझे अच्छा नहीं कि मेरा खाना अभी भी नया मैं मुझे जो रोटी खाना है मुझे अभी भी खाना नहीं दिया है मुझे बहु, मैं बहुत अपसेट हूं और बहन जो चाउमीन ऑर्डर किया था तो मैं जो उससे चाउमीन खा रहा मुझे पता नहीं मुझे आज सब कुछ के लिए इतना वेट क्यों करना पड़ता है मुझे लगता है मुझे बहुत ही सबर का फल जो मीठा जो बात है ना वो मुझे लग रहा है बहुत ही जल्द एक बड़ा वाला मीठा फल मुझे मिलने वाला है फिलहाल अभी तो है जो रोटी और चिकन मिल चुका है इसको खाते हैं और पेट को थोड़ा शांत करते हैं उसके बाद बात करते है और शाम के टाइम वहां से खाना खाने के बाद हम लोग रात के बज रहे हैं नौ हम लोग आ चुके हैं सी फूड फिश खाने के लिए यहाँ समुद्र जो समुद्र के मछली जो खाने में यम होते हैं उन बहुत ही लोगों को अच्छा नहीं लगता लेकिन मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है और यहाँ पर देखो ऑक्टोपस भी है बहुत ही बड़े बड़े मछली और मैंने जो यहाँ से जो फिश ऑर्डर किया था वो जो है पोम्फेट फिश है और देखो बेंगोल में बोलो तो पॉम्फेट माछ और समुंदर में आया है तो मछली नहीं खाया तो क्या खाया तो भी चलो ज्यादा बात नहीं करके अभी जो ए, फट, फट, फट है फटाफट मछली खाते हैं और आप लोगों को बोलते हैं कैसा क्या मछली खाने में और देखने में तो बहुत ही गर्म है और जो है बहुत ही यमी है तो भी चलो अभी जो खाते हैं और आप लोगों को फटाफट फट बताते हैं और मछली मेरे मुँह में जब गया मुझे तो इनसे क्या बहुत ही अच्छा लगा मछली बहुत ही फ्रेश था और यमी था और जो है बहुत ही जूसी था और कुछ गंद भी नहीं आ रहा था सुगंध मतलब सुगंध आ रहा था और अभी जो है हम लोग रात के साढ़े ग्यारह बज रहे थे हाँ कुछ खाना खाने के लिए मतलब खाना पैकिंग करने के लिए आया है और हम लोगों ने जो लिया था जो है चपाती और तड़के की दाल आज की तरह हमारा आज का जो फर्स्ट डे खत्म होता है और चलो आज यहां तक वीडियो कैसे जरूर कमेंट करके बता देना तो फिर बाय